मेरी वर्दी पे मेडल बहुत लगे पर दाग सिर्फ एक। पता नहीं कौन है, कहां है, सिर्फ उसका नाम पता है, डेविल। बॉलीवुड केक जैसी हाफ बेक सुपर फिल्म तक ही लिमिटेड है, हॉलीवुड की तरह ही बॉलीवुड अपनी सुपर हीरो कॉमिक बुक्स को फीचर फिल्म्स में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया। बॉलीवुड एक सुपर हीरो फिल्म के लिहाज से क्लोजेस्ट क्रिश 2 और मिस्टर इंडिया तक ही आ पाई है, जहां क्रिश के आने के बाद हॉलीवुड सुपर हीरोज की तरह ही इस इंडियन सुपर हीरो की हाइप भी काफी स्ट्रांग थी। तो वहीं मिस्टर इंडिया जैसा अहेड ऑफ इट्स कॉन्सेप्ट एंड आइकॉनिक कास्ट ने इसे एक कल्ट फिल्म का दर्जा दिला दिया। एंड सैडली इनके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आउट एंड आउट सुपर हीरो फिल्म करार कर दिया जा सके। दोस्तों 2014 में आई केक फिल्म के ट्रेलर से जनता को ये उम्मीद तो बंधी थी कि फाइनली हमने एक मार्क सुपर हीरो मिलेगा एंड दैट टू प्लेड बाय अ मेनस्ट्रीम एक्टर सलमान खान। बट यार डिसअपॉइंटमेंट तब आई जब इस फिल्म में सुपर हीरो कॉन्सेप्ट को ग्रो करने के बजाय एक मसाला एंटरटेनर फिल्म बनाने में ज्यादा ध्यान दिया गया। ऑनेस्टली स्क्रैच से एक सुपर हीरो कॉन्सेप्ट डेवलप करना काफी भारी काम है, लेकिन ऑलरेडी सुपर हिट डोमेस्टिक सुपर हीरो को भी तो बता दे पर्दे पर पोर्ट्री किया ही जा सकता है ना, जैसे हॉलीवुड ने किया मार्वल और डीसी कॉमिक के साथ। तो क्यों बॉलीवुड ने टाइमली और इवन अभी तक भी इंडियन कॉमिक्स को फीचर फिल्म नहीं बनाया। तो दोस्तों आज इन्हीं कुछ कारणों को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी आज की होस्ट अनुष्का त्यागी। देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड हमेशा से ही स्टोरी को अडाप्ट करता आ रहा है जो कि ऑलरेडी सुपर हिट हो, और जब बॉलीवुड के पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी आई सुपर फिल्म बनाने के लिए, तब तक की कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी में ड्रास्टिक डाउनफॉल आ चुका था। अब इन कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी क्यों कम हुई, इसके लिए कई यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ यही रीजन होता तो यूएस में तो टेक्नोलॉजी हमसे भी पहले आ गई थी, तो कायदे से तो उनकी कॉमिक्स हमसे भी पहले अनपॉपुलर हो जानी चाहिए थी। अब एक कॉमिक्स बुक्स के क्रेज में काफी ज्यादा घटौती सी आ गई थी, जहां 90s में 70-80 लाख कॉमिक्स सिर्फ 2 महीनों में छपती थी, तो वहीं आज के टाइम में ये नंबर 50-60,000 पर ईयर का हो गया है। कॉमिक्स की घटते डिमांड में कई सारे फैक्टर्स हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट कॉम्पिटिशन की कमी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस में 2 कॉमिक्स थी डीसी और मार्वल, सो मार्केट को कैप्चर करने के लिए इनके बीच में काफी तगड़ा कंपटीशन रहता है। एंड एज वी नो जहां कंपटीशन होगा वहां इम्प्रूवमेंट होगी। जबकि इंडिया में सिर्फ एक मेजर कॉमिक थी राज कॉमिक, जिन्होंने क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना ज्यादा सही समझा एंड इवेंचुअली इनके वर्क्स में क्वालिटी डिग्रेड होती गई। यहाँ के कॉमिक राइटर्स को काफी कम महानता या सैलरी दी जाती है, और अच्छे अच्छे राइटर्स भी कम पैसे की वजह से राज कॉमिक्स क्विट करके न्यूज़पेपर और मैगजीन में लग गए। जब तक एक्सपीरियंस राइटर काम पे थे तब तक तो इंडियन सुपर हीरोज कॉन्सेप्ट में काफी लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच रही थी, लेकिन जैसे ही नौसिखिए राइटर ने ज्वाइन किया तो कॉमिक स्टोरी की क्वालिटी भी फुर हो गई। अब जब अबव एवरेज प्रोडक्ट जनता को मिलने लगा तो निश्चित ही कॉमिक डूबनी ही थी। देन दोस्तों राज कॉमिक्स में यूनिवर्स का कमी होना भी एक बड़ा फैक्टर है। नागराज, डोगा, ध्रुव ये अपने आप में तो काफी पॉपुलर थे, पर इनका क्रॉसओवर काफी कम करवाया जाता था एंड हेंस ये कैरेक्टर अपने इंडिविजुअल आईडी से आगे बढ़ ही नहीं पाए। एंड फाइनली जब कॉमिक मार्केट इतनी बुरी तरह से डूबने लगी और बची कुची मार्केट को डिजिटल डिवाइसेस ने कैप्चर कर लिया, ऐसे में बॉलीवुड ने इन पे पैसा लगाना ही सही ना समझा और ये अपनी रोम को मसाला मूवी में ही खुश रहते दिखे। हालांकि इन कॉमिकल सुपर हीरोज के कैरेक्टर आज भी इतने कमाल के हैं कि किक और फ्लाइंग जट जैसे सुपर हीरोज से तो एडवांस्ड ही लगते हैं, तो अगर सही स्टोरी और VFX मिल जाए तो ये कैरेक्टर्स बड़े पर्दे पर फिल्म अभी भी हिट हो सकती हैं। बस जरूरत है तो किसी फिल्म मेकर की डेयरिंग की,
2-3 साल पहले कुणाल रॉय कपूर ऑन स्क्रीन डोगा बैंड के इस सिलसिले की शुरुआत करने की तो सोच रहे थे, लेकिन अब इस मामले में भी शांति बनती नजर आ रही है। अब दोस्तों इंडियन सुपर हीरो फिल्म स्टोर नाम भरोसे ही है। अब दोस्तों बस आज की वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और हमारे आज के राइटर हैं पंकज।